माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षा मनोज्ञान की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम शिक्षा मनोज्ञान की परिभाषाओं को कीवर्ड से याद करने की कोशिश करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के संयोग से बना है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के मेल से बना है। शिक्षा का अर्थ है व्यवहार का परिमार्जन। शिक्षा का अर्थ क्या है? व्यवहार का परिमार्जन। शिक्षा का अर्थ है व्यवहार का परिमार्जन। और मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। और मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार के मार्जन या परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। नोट, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान अपनी शैशव अवस्था में है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की स्थिति क्या है, तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान अपनी शैशवावस्था में है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। बी एफ स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें कीवर्ड क्या है? सीखने एवं सिखाने। तो जिस भी परिभाषा में सीखने एवं सिखाने शब्द आ जाए तो वह किसकी परिभाषा होगी? बीएफ स्किनर की। तो बीएफ स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। दूसरी परिभाषा भी बीएफ स्किनर की है। बीएफ स्किनर के अनुसार सीखना विज्ञान है और सिखाना क्या है? कला। सीखना विज्ञान है और सिखाना क्या है? कला। तो कीवर्ड क्या हो गया? सीखना एवं सिखाना। तो जिस भी परिभाषा में सीखना एवं सिखाना शब्द आ जाए तो किसकी परिभाषा होगी? बीएफ स्किनर की। तो बीएफ स्किनर सीखना विज्ञान है और सिखाना कला है। तो सीखना एवं सिखाना जिस भी परिभाषा में आ जाए तो कीवर्ड क्या है? सीखना एवं सिखाना जिस भी परिभाषा में आ जाए तो वह किसकी परिभाषा होगी? बीएफ स्किनर की। तीसरी परिभाषा भी बीएफ स्किनर की है। बीएफ स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करना है जिसका संबंध शिक्षण एवं अधिगम से है। तो जिस परिभाषा में शिक्षण एवं अधिगम आ जाए तो परिभाषा किसकी होगी? बीएफ स्किनर की। तो कीवर्ड क्या है? शिक्षण एवं अधिगम। बीएफ स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका संबंध शिक्षण एवं अधिगम से है। तो कीवर्ड क्या है? शिक्षण एवं अधिगम। तो जिस भी परिभाषा में शिक्षण एवं अधिगम आ जाए तो किसकी परिभाषा होगी? बीएफ स्किनर की। तो बीएफ स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करना है जिसका संबंध है शिक्षण एवं अधिगम से है। तो कीवर्ड क्या है? शिक्षण एवं अधिगम। बीएफ स्किनर चौथी परिभाषा किसकी है? वो भी बीएफ स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। तो कीवर्ड क्या है? शैक्षिक परिस्थितियों। तो जिस भी परिभाषा में शैक्षिक परिस्थितियों शब्द आ जाए तो वह परिभाषा किसकी होगी? बीएफ स्किनर की। तो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। तो कीवर्ड क्या है? शैक्षिक परिस्थितियों। बीएफ स्किनर पांचवी परिभाषा की इसकी है बीएफ स्किनर की। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत
शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो कीवर्ड क्या है? व्यवहार और व्यक्तित्व। कीवर्ड क्या है? व्यवहार और व्यक्तित्व। तो जिस भी परिभाषा में व्यवहार और व्यक्तित्व शब्द आ जाए तो किसकी परिभाषा होगी? बीएफ स्किनर की। तो बीएफ स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। कीवर्ड क्या है? व्यवहार और व्यक्तित्व। नेक्स्ट, अगली परिभाषा किसकी है? बीएफ स्किनर की। बीएफ स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर क्या है? सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो कीवर्ड क्या है? उत्तरोत्तर। कीवर्ड क्या है? उत्तरोत्तर। तो जिस भी परिभाषा में उत्तरोत्तर शब्द आ जाए तो परिभाषा किसकी होगी? बीएफ स्किनर की। सीखना, बीएफ स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो कीवर्ड क्या है? उत्तरोत्तर। क्रो एंड करो। क्रो एंड करो क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वर्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। तो कीवर्ड क्या है? वर्धावस्था। कीवर्ड क्या है? वर्धावस्था। तो जिस परिभाषा में वर्धावस्था शब्द आ जाए तो वो परिभाषा किसकी होगी? क्रो एंड करो की। किसकी होगी? क्रो एंड करो की। तो क्रो एंड करो क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वर्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। तो कीवर्ड क्या है? वर्धावस्था। क्रो एंड करो की अगली परिभाषा है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभ्यर्थियों का अर्जन है। क्रो एंड करो की अगली परिभाषा क्या है? सीखना आदतों, ज्ञान और अभ्यर्थियों का अर्जन है। तो इसका कीवर्ड क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवर्तियों। इसका कीवर्ड क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवर्तियों। तो जिस भी परिभाषा में आदतों, ज्ञान और अभिवर्तियों शब्द आ जाए तो वो परिभाषा किसकी होगी? क्रो एंड करो की। क्रो एंड करो, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवर्तियों का अर्जन है। कीवर्ड क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवर्तियों। काल्सनिक। काल्सनिक क्या कहता है? काल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं निष्कर्षों का प्रयोग है। काल्सनिक क्या कहता है? काल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं निष्कर्षों का प्रयोग है। तो कीवर्ड क्या है? सिद्धांतों एवं निष्कर्षों। कीवर्ड क्या है? सिद्धांतों एवं निष्कर्षों। काल्सनिक की अगली परिभाषा है, काल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। काल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना ही शिक्षा क्या है? मनोविज्ञान है। कीवर्ड क्या है? नियम एवं सिद्धांत। कीवर्ड क्या है? नियम एवं सिद्धांत। काल्सनिक की अगली परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। तो जिस भी परिभाषा, काल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। तो कीवर्ड क्या है? सिद्धांत एवं अनुसंधान। अनुसंधानों, कीवर्ड क्या है? सिद्धांत एवं अनुसंधानों। तो जिस भी परिभाषा में सिद्धांत एवं अनुसंधानों शब्द आ जाए तो किसकी परिभाषा होगी? काल्सनिक की। तो काल्सनिक क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोरंजन के सिद्धांत वे अनुसंधानों का शिक्षा में क्या है? प्रयोग है। तो कीवर्ड क्या है? सिद्धांत एवं अनुसंधानों। स्टीफन क्या कहता है? स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। स्टीफन क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का कैसा अध्ययन है? क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो इसका कीवर्ड क्या है? क्रमबद्ध। इसका कीवर्ड क्या है? क्रमबद्ध। तो जिस भी परिभाषा में क्रमबद्ध शब्द आ जाए तो किसकी परिभाषा होगी? स्टीफन की। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो कीवर्ड क्या है? क्रमबद्ध।
स्टीफन की दूसरी परिभाषा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। स्टीफन की दूसरी परिभाषा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। तो इसका कीवर्ड क्या है? क्रमिक। कीवर्ड क्या है इसका? क्रमिक। तो जहाँ पर क्रमिक शब्द आ जाए तो किसकी परिभाषा होगी? जिस परिभाषा में क्रमिक शब्द आ जाए तो किसकी परिभाषा होगी? स्टीफन की। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। तो कीवर्ड क्या है? क्रमिक। जेम्स ड्रेवर, अगली परिभाषा किसकी है? जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध होती है। ड्रेवर क्या कहता है? ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा की समस्त समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध होती है। तो कीवर्ड क्या है? संबंध। कीवर्ड क्या है? संबंध। तो जिस परिभाषा में संबंध शब्द आ जाए तो किसकी परिभाषा होगी? जेम्स ड्रेवर की। वो किसकी परिभाषा होगी? जेम्स ड्रेवर की। तो कीवर्ड क्या है? संबंध। जेम्स ड्रेवर की अगली परिभाषा है, जेम्स ड्रेवर की अगली परिभाषा क्या है? जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। जेम्स ड्रेवर की दूसरी परिभाषा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो कीवर्ड क्या है? सिद्धांतों एवं खोजों। सिद्धांतों तथा खोजों। कीवर्ड क्या है? सिद्धांतों तथा खोजों। तो जिस परिभाषा में सिद्धांतों तथा खोजों शब्द आ जाए तो किसकी परिभाषा है? जेम्स ड्रेवर की। तो किसकी परिभाषा है? जेम्स ड्रेवर की। वुडवर्थ, वुडवर्थ क्या कहता है? वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। तो कीवर्ड क्या है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं। कीवर्ड क्या है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं। वुडवर्थ नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। तो कीवर्ड क्या है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं। गेट्स के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो कीवर्ड क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण। कीवर्ड क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण। तो जिस परिभाषा में अनुभव और प्रशिक्षण शब्द आ जाए तो किसकी परिभाषा होगी? गेट्स की। और गेट्स में कितने शब्द हैं? तीन। गेट्स में कितने शब्द हैं? तीन। गेट्स में कितने शब्द हैं? तीन। तो परिभाषा में भी तीन शब्दों के कौन से हो गए? अनुभव प्रशिक्षण और सीखना अनुभव और प्रशिक्षण। गेट्स में तीन शब्द हैं तो इसमें भी सीखना अनुभव और प्रशिक्षण तीन शब्द हो गए। तो गेट्स में तीन शब्द हैं तो सीखना अनुभव और प्रशिक्षण, और इसका कीवर्ड क्या होगा? अनुभव और प्रशिक्षण। तो इसको कैसे याद करेंगे? गेट्स, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। कीवर्ड क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण। नाल, नाल की परिभाषा, नाल, नाल की परिभाषा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तन या निर्देशन होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तन या निर्देशन होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है।
तो इसका कीवर्ड क्या है, सामाजिक प्रक्रिया। इसका कीवर्ड क्या है, सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तन या निर्देशन होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका कीवर्ड क्या है, सामाजिक प्रक्रिया। कीवर्ड क्या है, सामाजिक प्रक्रिया। नाल व अन्य, नाल व अन्य की, नाल की दूसरी परिभाषा कौन सी है, नाल व अन्य की दूसरी परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार से है। नाल व अन्य की दूसरी परिभाषा कौन सी है, नाल की शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार से है। तो कीवर्ड क्या होगा, सामाजिक प्रक्रिया। कीवर्ड क्या होगा, सामाजिक प्रक्रिया। नाल व्यान शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार से है। कीवर्ड क्या होगा, सामाजिक प्रक्रिया। सेंट्रोक, सेंट्रोक की परिभाषा क्या है, सेंट्रोक के अनुसार, सेंट्रोक, सेंट्रोक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण में और अधिगम में विभिन्नता दिखलाती है। सेंट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण और अधिगम में विभिन्नता दिखलाती है। तो इसका कीवर्ड क्या है, विभिन्नता। इसका कीवर्ड क्या है, विभिन्नता। सेंट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण में अधिगम शिक्षण और अधिगम में विभिन्नता दिखलाती है। तो इसका कीवर्ड क्या है, विभिन्नता। इसका कीवर्ड क्या है, विभिन्नता। स्टाउट की परिभाषा, स्टाउट की परिभाषा क्या है, स्टाउट की परिभाषा क्या है, स्टाउट की परिभाषा है, स्टाउट के अनुसार मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा सिद्धांत को दिए जाने वाले प्रमुख सिद्धांत है कि नवीन ज्ञान का विकास पुराने ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा सिद्धांत को दिए जाने वाला प्रमुख सिद्धांत है कि नवीन ज्ञान का विकास पुराने ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। तो इसका कीवर्ड क्या है, पुराने ज्ञान। इसका कीवर्ड क्या है, पुराने ज्ञान। स्टाउट क्या कहता है, मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा सिद्धांत को दिए जाने वाला प्रमुख सिद्धांत है कि नवीन ज्ञान का विकास, नवीन ज्ञान का विकास किसके आधार पर किया जाना चाहिए, पूर्ण ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। तो कीवर्ड क्या है इसका, पूर्ण ज्ञान। कीवर्ड क्या है इसका, पूर्ण ज्ञान। क्रोनबैक, क्रोनबैक के अनुसार सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा प्रयुक्त होता है। क्रोनबैक के अनुसार सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। तो कीवर्ड क्या है, परिणाम स्वरूप। कीवर्ड क्या है, परिणाम स्वरूप। तो जिस परिभाषा में परिणाम स्वरूप शब्द आ जाए तो वो किसकी परिभाषा होगी, क्रोनबैक की। वो किसकी परिभाषा होगी, क्रोनबैक की। तो क्रोनबैक क्या कहता है, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा प्रयुक्त होता है। तो कीवर्ड क्या है, परिणाम स्वरूप। पील, पील के अनुसार, पील के अनुसार, पील क्या कहता है, पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। तो कीवर्ड क्या है, पील शिक्षा। कीवर्ड क्या है, पील और शिक्षा। कीवर्ड क्या है, पील शिक्षा। पील क्या कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। कीवर्ड क्या है, पील शिक्षा। कीवर्ड क्या है, पील शिक्षा। ट्रो, ट्रो के अनुसार अगली परिभाषा किसकी है, ट्रो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। ट्रो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। तो इसका कीवर्ड क्या है, शिक्षा संस्थानों। कीवर्ड क्या है, शिक्षा संस्थानों। तो जिस परिभाषा में शिक्षा संस्थानों शब्द आ जाए तो किसकी परिभाषा होगी, ट्रो की। वो किसकी परिभाषा होगी, ट्रो की। शिक्षा, ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। तो
तो इसका कीवर्ड क्या है, शिक्षा संस्थानों। अगली परिभाषा है एलिस क्रो की, किसकी परिभाषा अगली, एलिस क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए गए मानव सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। एलिस क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए गए मानव सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। तो कीवर्ड क्या है, मानव सिद्धांतों, कीवर्ड क्या है, मानव सिद्धांतों। एलिस क्रो शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए गए मानव सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। तो कीवर्ड क्या है, मानव सिद्धांतों, कीवर्ड क्या है, मानव सिद्धांतों। सारे व टेलफोर्ड अगली परिभाषा किसकी है, सारे व टेलफोर्ड अगली परिभाषा किसकी है, सारे व टेलफोर्ड, सारे व टेलफोर्ड अगली परिभाषा किसकी है, सारे व टेलफोर्ड अगली परिभाषा किसकी है, सारे व टेलफोर्ड शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। सारे टेलफोर्ड क्या कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। सारे टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। तो इसका कीवर्ड क्या है, सारे संबंध, 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 इसका कीवर्ड क्या है, सारे व टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। तो इसका कीवर्ड क्या है, सारे संबंध, सारे संबंध। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।